दोस्तों मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान का निधन हो गया है। सरोज खान को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जिसके बाद उन्हें गुरु नानक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान गुरुवार देर रात 1:52 कार्डिक अरेस्ट के चलते सरोज खान की मौत हो गई। कुछ दिन पहले ही सरोज खान का कोरोना टेस्ट भी कराया गया था, जो कि नेगेटिव आया था। सरोज खान 72 साल की थी। उन्होंने माधुरी दीक्षित और श्रीदेवी सहित बॉलीवुड के कई कलाकारों को डांस सिखाया था। तमाम फिल्मों में कोरियोग्राफर भी की थी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं सरोज खान की आत्मा को शांति मिली, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना जरूर कर सके। दोस्तों आपको बता दें कि बीते 20 जून को सांस लेने में तकलीफ के बाद सरोज खान को मुंबई के गुरु नानक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहाँ उनकी तबीयत में सुधार हो रहा था। लेकिन गुरुवार रात उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी और उनका निधन हो गया। शुक्रवार को मलाड़ के मलवाड़ी कब्रिस्तान में उनका पार्थिव शरीर सुपुर्दे खाक किया जाएगा। सरोज खान सैकड़ों गानों को कोरियोग्राफर कर चुकी हैं। कम ही लोगों को पता है कि सरोज खान का असली नाम निर्मला नागपाल था। सरोज के पिता किशन चंद सद्दू सिंह और मां नोनी सद्दू सिंह विभाजन के बाद अपने परिवार के साथ पाकिस्तान से भारत आ गए थे। सरोज ने महज 3 साल की उम्र में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्मों में काम करना शुरू किया था। उनकी पहली फिल्म नजराना थी, जिसमें उन्होंने श्यामा नाम की लड़की का किरदार निभाया था। 50 के दशक में सरोज खान ने बतौर बैकग्राउंड डांसर काम करना शुरू किया था। उन्होंने कोरियोग्राफर बी सोहन लाल के साथ ट्रेनिंग ली। 1974 में रिलीज हुई फिल्म गीता मेरा नाम से सरोज खान एक स्वतंत्र कोरियोग्राफर की तरह जुड़ी, हालांकि उनके काम को काफी समय बाद पहचान मिली। सरोज खान की मुख्य फिल्मों में मिस्टर इंडिया, नगीना, चांदनी, तेजाब, थानेदार और बेटा है। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं सरोज खान की आत्मा को शांति मिली, तो हमें कमेंट सेक्शन में आमीन लिखकर जरूर बताएं। और दोस्तों इसी तरीके की लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। धन्यवाद।